खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक तरफ आप प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहते हो और दूसरी तरफ आप एक दिन में बदलना चाहते हो, जो कि हो नहीं सकता। एक दिन में बदलने की शुरुआत हो सकती है, एक दिन में आप कमिटमेंट की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन दोस्त एक दिन में बदला नहीं जा सकता। क्यों? घने जंगल में नया रास्ता बनाकर चलना बहुत कठिन होता है। आपको हर कदम पर झाड़ियां काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। जब उस रास्ते पर आप बार बार चलते हो तो रास्ता पक्का होने लगता है, मिट्टी दबने लगती है और पगडंडी बन जाती है। उसी तरह इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग न्यूरल वायरिंग की झाड़ियों और पेड़ों से भरा हुआ है। नई आदत डालना मतलब न्यूरल वायरिंग के जंगल में नया पक्का रास्ता बनाना। इसमें बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि एक बार में तो कुछ झाड़ियां ही साफ होती हैं। दूसरी तरफ दिमाग बहुत एफिशिएंट कंप्यूटर है, इसे एनर्जी चूसने वाले काम पसंद नहीं है। जब आप कहते हो कि मैं एक दिन में बदल जाऊंगा, तो आप कह रहे हो कि आज से मैं हर डिसीजन अलग लूंगा। यानी दिमाग को हर बार नए रास्ते पर, कच्चे रास्ते पर चलाने की कोशिश करूंगा। दिमाग कहता है ठीक है, तुम बातें कर लो। जैसे ही तुम्हारा ध्यान हटेगा, वैसे ही पहली फुर्सत में मैं पुराने रूटीन्स, जाने पहचाने रास्तों का प्रयोग करूंगा। अब आपको क्या करना चाहिए? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डैनियल कानेमन कहते हैं कि आपका दिमाग दो मोड्स में काम करता है, स्लो मोड या वाइज प्लानर। वाइज प्लानर मोड लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर, सोच समझ कर, कैलकुलेट करके एक्शन लेता है। वाइज प्लानर वो विकल्प भी चुनता है जिनमें मजा नहीं आता। यानी जंगल में पहला रास्ता बनाने का काम वाइज प्लानर मोड करता है, लेकिन ये मोड दिन के 5% ही रहता है, बाकी 95% टॉडलर मोड हावी रहता है। टॉडलर मोड यानी 3 से 4 साल के बच्चों का दिमाग। इस दिमाग को चाहिए केवल एक चीज, मजा, मजा और मजा। ये लॉन्ग टर्म गोल के कंसेप्ट को नहीं समझता और ना ही कभी कुछ अनकंफर्टेबल काम करना चाहता। टॉडलर मोड को मजा चाहिए, वो भी अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए और बहुत सारा चाहिए। ट्रिगर मिला यानी संकेत मिले और टॉडलर मोड आदतन कुछ स्टेप्स रिपीट करने लगा। ट्रिगर्स आर एवरीवेयर। हम दिन भर में जितने भी काम करते हैं, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ ट्रिगर है। जैसे हम फोन को देखते ही उसे अनलॉक करते हैं, कमरे में आते ही लाइट चालू करते हैं, बाथरूम में जाते ही नल चलाते हैं, किताब खोलते ही पेन उठाते हैं, भले ही उस पेन की जरूरत हो या ना हो। ट्रिगर मिलते ही टॉडलर मोड मजे की तलाश में अनजानी में आदत दोहराता है। अब सच में बदलाव लाने के लिए हमें इन दोनों मोड का प्रयोग करना होगा, यानी वाइज प्लानर को टॉडलर मोड से काम कराना होगा। कैसे? छोटी छोटी हैबिट्स के लिए दिमाग को कन्विंस करो। जब आप तरोताजा हों और अलर्ट हों, तब वाइज प्लानर मोड का उपयोग कीजिए। छोटी सी हैबिट बनाइए, इसके स्टेप्स पेपर पर लिख लीजिए और इसके साथ आकर्षक ट्रिगर जोड़िए। टॉडलर मोड से काम करवाने के लिए दो बातें याद रखिए। पहला कदम बहुत आसान होना चाहिए। दूसरी बात, हैबिट के 3 स्टेप होने चाहिए जिसे आप आसानी से पूरी करके अभी के अभी जीत महसूस कर सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप हर दिन 20 पेज पढ़ने की आदत बनाना चाहते हो। ट्रिगर, सुबह 8 बजे अलार्म बजा। स्टेप 1, आपने टेबल पर बैठकर किताब खोली। दूसरा बहुत आसान स्टेप, 10 से 15 मिनट का टाइमर लगाया और केवल 5 पेज पढ़े। तीसरा, कॉन्ग्रेचुलेट एंड विजुलाइज। 5 पेज पढ़ने के बाद खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने आज का रूटीन पूरा कर लिया है। अब विजुलाइज कीजिए कि इस छोटी सी आदत से आप बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। इससे आपका मेंटल स्टेट बदल जाएगा, आप बेहतर महसूस करेंगे। इस बदले हुए मेंटल स्टेट का फायदा उठाइए और खुद से कहिए, कोई प्रेशर नहीं है, क्या मैं 10 पेज और पढ़ सकता हूँ? अगर हाँ तो पढ़िए, नहीं तो संतुष्ट होकर रूटीन खत्म कर दीजिए। ये छोटा सा रूटीन आपको शौक से पढ़ना सिखा देगा और मात्र 10 से 15 महीनों में आपको बेहतर रीडर और एक जानकार इंसान बना देगा। टॉडलर मोड से काम कराने के लिए दो बातें और याद रखिए। पहला, स्पेसिफिक टारगेट। टॉडलर मोड खुद गोल नहीं बना पाता, उसे तो केवल मजा चाहिए। जब दिन में वो परेशान होता है तो टॉडलर मोड कहता है, भाई ये बताओ कि अभी मुझे करना क्या है, मजा कैसे मिलेगा? वाइज प्लानर मोड के पास पहले से जवाब तैयार होना चाहिए। मैं 5 पेज पढ़ूंगा और आज की जंग जीत जाऊंगा और अभी अच्छा महसूस करूंगा। ये जीत की फीलिंग ऑटोमेटिकली आपसे ज्यादा काम करवाएगी और बार बार हैबिट फॉलो करवाएगी। यानी टॉडलर मोड को दिशा देने के लिए
आपके पास 5 पेजेस का स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। दूसरी बात, कंटेक्स्ट। अच्छी हैबिट्स बनाने में कंटेक्स्ट बहुत मायने रखता है। कंटेक्स्ट यानी ट्रिगर प्लस एनवायरनमेंट। हम सभी पुरानी आदतें कुछ खास जगह जाकर दोहराते हैं, जैसे लोग पार्क में जाकर दौड़ना पसंद करते हैं, अकेले कमरे में बैठकर मूवी देखना पसंद करते हैं। इसलिए कंटेक्स्ट का ध्यान रखो। जो भी नई आदत शुरू करो वो सब एक जगह और एक समय पर करो, जिससे ट्रिगर और जगह के साथ नई आदत जुड़ जाए। जब आप नई आदत बार बार शुरू करते हो और 3 स्टेप्स पूरे करने के बाद संतुष्टि महसूस करते हो, तो घने न्यूरल वायरिंग के जंगल में नया रास्ता पक्का और आसान होने लगता है। यानी ये नई आदत आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ हम आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं, यानी बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी आदत बनाने के लिए कह रहे हैं। क्या ये सच में काम करता है? क्या सच में छोटी सी आदत इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? कहानी जेम्स क्लियर की। कॉलेज से पहले जेम्स क्लियर बेसबॉल टीम में थे। मैच खेलते वक्त उनको नाक में गंभीर चोट लगी। चोट इतनी गंभीर थी कि दिमाग में 3 दिन तक सूजन बनी रही। ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जेम्स क्लियर कभी पहले जैसी बेसबॉल नहीं खेल पाए। जेम्स कहते हैं कि मेरा प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनने का सपना खत्म हो गया और कॉलेज पूरा होने के बाद करियर कहीं नहीं जा रहा था। वे कहते हैं कि मैं हमेशा से लिखना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे। एक दिन जब मैं बहुत परेशान था, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन 100 शब्द लिखूंगा। चाहे मेरा मन करे या ना करे, मैं 100 शब्द लिखूंगा। कभी ये काम आसान होता और कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता, लेकिन मैं हर दिन 100 शब्द लिखता। फिर मेरा टारगेट दिन के 300 शब्दों का हो गया। इस छोटी सी आदत ने मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी। कुछ ही महीनों में मैंने अचानक महसूस किया कि मेरी समझ बेहतर हो गई है। मुझे नए आइडियाज आराम से आने लगे हैं। 2012 में जेम्स ने वेबसाइट लॉन्च की, जो कि ब्लॉग पढ़ने वालों में काफी प्रचलित हुई। फिर 16 अक्टूबर 2018 को एटॉमिक हैबिट्स आई, जिसने जेम्स क्लियर को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। बदलाव लाने का दूसरा इफेक्टिव प्रभावशाली तरीका है नेगोशिएट विद योरसेल्फ। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड हो या इस समय बहुत नेगेटिव मेंटल स्टेट में हो, जहां आपको बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता, तो भी आप अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हो। इसका बहुत इफेक्टिव तरीका है खुद से नेगोशिएट करना। कैसे करेंगे? आप खुद से कहते हो कि देखो भाई, अभी मैं दिन के केवल 1 घंटे मुश्किल से पढ़ाई कर पाता हूँ और बाकी पूरा समय टाइम पास हो जाता है। फिर दिन के अंत में मुझे अच्छा नहीं लगता और भविष्य की चिंता होती है, जिस कारण आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं। टेक्निक ऑफ सेल्फ नेगोशिएशन। अगले दिन खुद से काम कराने के लिए आप खुद से पूछते हो कि आज मैं कम से कम कितना काम करूंगा, जिससे दिन के अंत में मुझे चिंता ना हो बल्कि मुझे अच्छा लगे। और एक बार जब मैं ये काम कर लूं, तो दिन के अंत में मजे वाला ये काम करूं। समझने वाली बात यह है कि आप खुद से जबरदस्ती नहीं करते, ना अपने अंदर झूठा जोश भरते, बल्कि खुद से कहते हो कि ठीक है, अभी एग्जाम 10 महीने दूर है और मेरी आदतें खराब हैं, जिससे आगे चलकर नुकसान होने वाला है, इसलिए आज मैं दिन के 3 घंटे में इतना काम खत्म कर लूंगा। फिर बिना टेंशन के 40 मिनट आराम से गेम खेलूंगा और पूरा दिन कोई टेंशन नहीं लूंगा। अगर मैं 1 हफ्ता थोड़ा थोड़ा बेहतर करता हूँ, तो मैं संडे को 2 घंटा खेलूंगा। आप खुद से नेगोशिएशन करते हो और कभी खुद को गाली नहीं देते। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाए, तो आप खुद से दोबारा नेगोशिएशन करते हो, लेकिन कभी खुद को गाली नहीं देते। मान लीजिए कि आपने कहा था कि मैं दिन के 3 घंटे काम करूंगा, लेकिन आप 2 ही घंटे कर पाए, तो आप खुद से कहिए, ठीक है, शुरुआत हो गई, आज मैं 2.5 घंटे में इतना काम करूंगा और उसके बाद टेंशन फ्री होके 40 मिनट मजे करूंगा। जरूरी ये है कि आप हर दिन बेहतर करने के लिए खुद से नेगोशिएट करते हो और हर दिन थोड़ा सा बेहतर करते हो। जैसे जैसे आपको एहसास होता है कि मैं खुद से काम करवा सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, जो आपको नए बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 छोटी आदतों से बदलाव लाना शुरू करें, इससे कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अभी सोचिए और कमेंट्स में बताइए कि आज आप खुद को कैसे पटाएंगे, मेरा मतलब है खुद से नेगोशिएट कैसे करेंगे। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आज आप कम से कम क्या बदलाव लेकर आएंगे और उसके बाद निश्चिंत होकर मजे से क्या करेंगे। नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में कितना समय लगता है?
15 दिन से 8 महीने लग सकते हैं। ये निर्भर करता है कि पुरानी आदतें कितनी स्ट्रांग है और इन दिनों आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तब दिमाग के लिए नई आदत में अच्छा महसूस करना और नए न्यूरल कनेक्शन बनाना कठिन होता है। लेकिन फिर भी सेल्फ नेगोशिएशन और छोटी आदतों को पूरा करने के बाद जीत महसूस करना बदलाव लेकर आता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि डिप्रेशन में भी ये तरीका काम करता है, समय लगता है पर जीवन बदल जाता है। अचानक से ग्रोथ शुरू करने के अगले हफ्ते आप कहोगे, मैं पिछले 10 दिन से कर रहा हूं पर कुछ भी तो नहीं बदल रहा। करते रहिए, 2-2.5 हफ्ते बाद आपको अचानक ग्रोथ दिखेगी। जहां आपके लिए 5 पेज कंसंट्रेट करना कठिन हो रहा था, वहां आप आसानी से 8-9 पेज पढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसे दौड़ने के एग्जाम्पल से देखते हैं। जब आपने दौड़ना शुरू किया, पहले 3 दिन कुछ अंतर लगा, फिर 2 हफ्ते तक बदलाव नहीं दिखे। ना आप तेज दौड़ पा रहे हैं, ना दूर तक जा पा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं। थोड़ा सा ब्लड फ्लो बेहतर हो रहा है, लंग कैपेसिटी बढ़ रही है, पैरों में मसल्स मजबूत हो रही हैं, थोड़ी सी टेक्निक बेहतर हो रही है, और कई छोटे बदलाव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये बदलाव सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमें एकदम से इम्प्रूवमेंट दिखता है। और 2 हफ्ते बाद एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, आप अचानक ज्यादा दूरी तक दौड़ने लगते हो। यानी रूटीन फॉलो करना, हर दिन जीत महसूस करना ही असली इम्प्रूवमेंट है, जो आपको कुछ दिन बाद अचानक से ग्रोथ रूप में दिखेगा। समरी, जीवन में छोटे छोटे सुधार करना कुछ भी न बदलने से बहुत बेहतर है, क्योंकि कुछ आदत सालों बार बार दोहराने से पहले ही आपकी पर्सनैलिटी में प्रोग्राम्ड है। आपने अचानक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की, नहीं कर पाए तो आत्मविश्वास को चोट लगी, फिर कई दिन निकल गए, फिर कोशिश की एक दिन में बदलने की, फिर वही हाल। इस साइकिल में केवल समय नष्ट होता है और आत्मविश्वास टूटता है। आपको क्या करना चाहिए? वाइस प्लानर को टॉडलर मोड से काम कराना है, यानी छोटी सी हैबिट बनाइए। इसके स्टेप्स पेपर पर लिख लीजिए। 4 बातें ध्यान रखिए। आदत का पहला स्टेप बहुत आसान होना चाहिए। दूसरा, रूटीन के 3 स्टेप होने चाहिए जिसे आप आसानी से पूरा करके अभी के अभी जीत महसूस कर सकें। जीत महसूस करना बहुत जरूरी है। तीसरा, स्पेसिफिक टारगेट। और चौथा, कंटेक्स्ट यानी ट्रिगर और एनवायरनमेंट। एक समय एक जगह पर ही आपको नई आदत दोहराना चाहिए। दूसरी बात, नेगोशिएट विद योरसेल्फ। हर दिन कल से थोड़ा सा बेहतर करने के लिए खुद से नेगोशिएट करो। उसके बाद बेहिचक निर्धारित समय के लिए मजे करो और पूरा दिन टेंशन मत लो। अगर काम नहीं भी हो पाता तो खुद से जबरदस्ती मत कीजिए, बस अगले दिन दोबारा नेगोशिएट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्वामी जी के लेक्चर पावर्स ऑफ माइंड पर वीडियो देखिए। जानिए कि आपका मन कैसे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इसमें कितनी छिपी हुई शक्तियां हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।